हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपडेट साथ ही साथ आपको लगातार दे रहा हूं, चाहे न्यूज आर्टिकल्स हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स हो या एजुकेशन के चैप्टर्स या लेसन्स हो। इसलिए ये वीडियो को एक दो तीन मिनट एक पांच मिनट टाइम निकालकर पूरी अंत तक देखिए। देखिए, हॉलीडेज एक्सटेंड हो चुके हैं। जैसे आप सभी मुझको कमेंट के थ्रू पूछ रहे थे कि हॉलीडेज एक्सटेंड होंगे, तो कंफर्मेशन न्यूज नहीं आया तक मैं आप लोगों को अपडेट देता रहा। कंफर्मेशन आते ही मैं तुरंत आपको न्यूज का वीडियो अपलोड किया हूं। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद 17 से स्कूल्स रीओपन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट भी हमको सता रहा था कि हॉलीडेज शायद एक्सटेंड होंगे। मैं पहले से भी यही कह रहा था क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं कोविड और ओमिक्रॉन के। इन हालात में स्कूल्स खोलना बेहतर नहीं है, एक गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। चलिए, हॉलीडेज एक्सटेंड हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी है, कमेंट कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन दूसरी तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट भी आप लोगों को वहां पर मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट यह है कि हम जिस रास्ते पे निकले थे, हम जिस ट्रैक पे चल रहे थे, वो ट्रैक एक बार फिर भटक जाएगा, वो ट्रैक फिर हमसे छूट जाएगा। हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम स्टडी के लिए अपना माइंड सेटअप भी बनाए थे, और पीरियड सही हो रहे थे, स्कूल सही चल रहे थे, और सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे करते करते अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे थे। उतने में फिर एक बैड न्यूज आई है कि हॉलीडेज संक्रांति के 8 to 17 दे रहे हैं। चलिए, 8 डेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझे थे, खुश हो गए थे। 8 डेज के बाद फिर हम लोग अपने स्टडी में फिर लग जाएंगे, फिर पढ़ेंगे सोचे थे, लेकिन फिर बैड लक हमको फिर एक बार हॉलीडेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि 30 तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं मिनिमम। आप लोग देखेंगे तो 13 से 14 डेज हॉलीडेज एक्सटेंड कर दिए गए हैं हमारे शेड्यूल से अलग होकर। हमारा शेड्यूल था 17 जनवरी तक, लेकिन अगर 18 से अगर आप हिसाब लगा लेंगे या 17 से लगा लेंगे तो मिनिमम 13-14 डेज आपको मिलते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है हम सभी का। तो मैं ये वीडियो बनाने का रीजन यही है कि ये क्या हो गया का मतलब यह है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं एग्जाम्स किसी तरह भी कंडक्ट करेंगे। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा या हॉलीडेज एक्सटेंड होंगे तो एग्जाम्स कैंसिल होंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्जाम्स कैसे भी कंडक्ट करेंगे, चाहे ओमिक्रॉन के केसेस या कोविड के ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मई में हों दो या जून में हों दो या जुलाई में भी अगर होंगे तो एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि एग्जाम्स के लिए हमारा प्रिपरेशन कैसा हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हम सभी देख रहे हैं कि हॉलीडेज की वजह से हमारा शेड्यूल पूरी तरह खराब हो चुका है। ना ही सोने का टाइम है, ना ही खाने का टाइम है, ना ही उठने का टाइम है, ना ही पढ़ने का टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि एक वर्ड भी हॉलीडेज के अंदर नहीं पढ़े होंगे, एक आध बार बुक भी नहीं खोले होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन वो लोग जारी रखे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे पेरेंट्स के माँ बाप जो भी जिम्मेदार है, वो सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों की स्टडी या अपनी स्टडी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़िए। आप लोग, मेरा चैनल आपके साथ रहेगा। मैं अब मंडे से वादा किया था कि मंडे से एवरीडे आपको दो वीडियोस मिलेंगे, मैथमेटिक्स का वीडियो, तेलुगु का वीडियो, दोनों वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उन वीडियोस को देखकर आप एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर उसको पढ़िए, ताकि आप अपने टचिंग से दूर ना भाग सके, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें गैप ना आ जाए। गैप अगर आ जाता है प्रिपरेशन में तो फिर हमको ढलने के लिए, हमको याद करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए
इस टचिंग को आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी माध्यम यूज कर सकते हैं, आप चाहे अपने स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस का वर्क हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपको गूगल मीट से भी हो सकते हैं, या आपको जूम ऐप से भी, किसी तरीके से भी आपके क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लासेस को ईमानदारी से अटेंड कीजिए और जो भी बन पाता है आपसे करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि हॉलीडेज मिल गए, चलिए एंजॉय करेंगे, चलिए हम सो जाएंगे, चलिए वहां पर फिरेंगे, इस तरफ जाएंगे, चलो बहुत दिन है भी स्कूल स्कूल ने, ये अगर बहाने आप बनाते टालते हुए जाएंगे तो आपको आखिरी में बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। पढ़ना तो आप ही को है, एग्जाम लिखना भी आप ही को है, और इसी तरह इस जिम्मेदारी को आप समझते हुए आगे बढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स मुझको कह सकते हैं कि सर आप बार बार यही कहते हैं, जोर दे रहे हैं कि पढ़ने पर, मेरा काम ही है कि आपको मोटिवेट कर सकूं, थोड़ा बूस्ट कर सकूं, इतना ही कर सकता हूं मैं, आपको आकर जबरदस्ती या प्रेशराइज नहीं कर सकता। अगर आप सुनते हैं मेरी बात तो गुड है, नहीं सुनते हैं तो भी गुड है, क्योंकि सिर्फ बतला ही सकता हूं मैं, उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता, रिमेनिंग आपको ही करना पड़ेगा। आप इस उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो सुनने के बाद नीचे कमेंट करके बतलाएंगे कि मेरा ये भाषण जिसको कहते हैं ना आप भाषण, कैसा लगा आपको, क्या यकीनन मैं जो बातें कही है वो सही है या गलत है, या आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आप नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। 10th क्लास पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं मंडे से, और 8, 9, 6, 7 के भी वीडियोस अपलोड करूंगा। शर्त यह है कि आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को आप देखते रहिए, गैप अगर आ जाएगा तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हॉलीडेज तो गवर्नमेंट हमको दे दी है, लेकिन गवर्नमेंट सडनली एग्जाम्स भी कंडक्ट करेंगे आपके, ऐसा नहीं है कि हम पास करेंगे, गवर्नमेंट साथ ही साथ कह रही है कि एग्जाम्स भी हम कंडक्ट करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम में पास हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स हमको आए, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। हॉलीडेज का सही यूटिलाइज, हॉलीडेज का सही यूज, हॉलीडेज का सही फायदा हमको उठाने की जरूरत है। हॉलीडेज ये का मतलब ये नहीं है कि हमारा पोर्शन कम हो जाएगा, इस हॉलीडेज का पोर्शन हटा देंगे, इस हॉलीडेज का सिलेबस निकाल देंगे, इस तरह बिल्कुल नहीं है। आपका हॉलीडेज जो पहले 30% निकला था, उतना ही आपका सिलेबस निकलेगा, रिमेनिंग एक भी वर्ड नहीं निकलेगा। उन चीजों को याद करते हुए आपको स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेगी हॉलीडेज के अंदर। ये 13 डेज या 14 डेज मिले हैं, तो ये 14 डेज में मैं एक टारगेट रख लूंगा, मेरा एक एम है कि ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा, ये सब्जेक्ट के मैं प्रिपेयर करूंगा, ये सब्जेक्ट के आंसर्स को मैं लर्न करूंगा, इतने लेसन्स मैं खत्म करूंगा, इतने मैथ्स के चैप्टर्स मैं रिवाइज करूंगा। ये अगर टारगेट आप रख लेंगे, पढ़ेंगे, एक माइंड सेटअप बनाएंगे, तो ही आपको बहुत फायदा होगा। किस तरह माइंड सेटअप ऐसा बनाना? अच्छा, एक मिसाल बोलता हूं माइंड सेटअप की। देखिए, हमको पानी की जरूरत होती है, तो बॉडी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होती है, तो हम घर से जाते वक्त क्या करते हैं पानी लाने के लिए? माइंड सेटअप बना के जाते हैं। किस तरह? अगर हमारे पास ग्लास होगा तो ग्लास लेकर जाते हैं, वहां से पानी ला लूंगा। घड़ल है तो घड़ा लेकर जाते हैं, वहां से पानी ला लूंगा। उसी तरह अगर आपके पास पानी की वाटर बॉटल्स है तो वो वाटर बॉटल्स फुल करके ला लूंगा। इस तरह एक अगर चमचा भी लेकर जा रहे हैं तो चमचा भर के पानी वहां से आप ला सकते हैं। इस माइंड सेटअप आप बनाकर जाते हैं वहां पर पानी लेने के लिए। उसी तरह माइंड सेटअप आपको बनाना है कि हॉलीडेज के वर्क के लिए टाइम पास करना है तो एज यू विश, पढ़ना है तो एज यू विश। मैं बीच बीच में आपको अपलोड करते ही रहता हूं इस तरीके के वीडियोस, ताकि आप इनको सुनकर कुछ बूस्ट हो सके, कुछ पढ़ सके, क्योंकि आपका फ्यूचर सुधारना सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि अच्छा पढ़े, आपके पेरेंट्स से अच्छा आदमी आप बनकर दिखाए, ना ही आपके पेरेंट्स आपके कमाई पे डिपेंड है, ना ही आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कमाकर मुझको लाकर दिखाए, ना ही मैं चाहता हूं कि मैं आप मुझको कुछ हेल्प कीजिए, कुछ दीजिए। मेरा बस इंटेंशन यही है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स अच्छा पढ़े और अच्छे मुकाम पर पहुंचे, ताकि उसका कुछ
पुण्य उसका कुछ सवाब मुझको भी मिल सके, यही इंटेंशन है, इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए गनीमत मानिए, मौका मिल गया आपको। और गवर्नमेंट हॉलीडेज डिक्लेयर की है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, स्कूल्स 100% खुलेंगे। इसलिए हॉलीडेज डिक्लेयर करते वक्त जीवो में भी कहा गया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो स्कूल्स एज यूजुअल खुलेंगे। सोचिए आप अच्छी तरह थोड़ी देर बैठकर एक 5-10 मिनट आप टाइम लगाकर सोचिए, जब स्कूल खुलेंगे तो हमारा इसी तरह हाल रहेगा, ब्लाइंडली हम स्कूल को जाएंगे, कुछ भी हम नहीं पढ़े तो आपका वहां पर क्या होगा। इसलिए इस स्पीच को मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, अब आगे आपकी मर्जी है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो नीचे कमेंट सेक्शन है आप ही के लिए है, आप उसमें कमेंट करके बतला सकते हैं कि मेरी बातें सच है या झूठ है, आप कमेंट करके जरूर बतलाइए। और मैं भी आपके लिए, आप चाहे देखिए चाहे मत देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूं, एक स्टूडेंट भी अगर मेरे चैनल को देखता है उस एक स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, क्योंकि एक भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है मेरे वजह से, मेरे चैनल की वजह से, तो इससे बढ़कर सौभाग्य मेरा और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर कोई नए सब्सक्राइबर है, कोई नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, हॉलीडेज का भरपूर फायदा उठाइए, हॉलीडेज वेस्ट मत कीजिए और इधर उधर बाहर मत फिरिए क्योंकि कोविड ज्यादा फैल रहा है। आप भी सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी सेफ करते जाइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।